फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से साबूदाना खिचड़ी व्रत में बनाएंगे तो पेट एकदम भरा भरा रहेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए स्पाइसी और चटपटा स्पेशल साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसको टच करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं एक कप साबूदाना को 3 घंटे पहले फूलने के लिए रखी थी। ये अच्छे से फूल गए हैं, तो आप साबूदाना को 2-3 बार पहले अच्छे से धो लें। उसके बाद आप उसमें इतना पानी डालें जिससे वो साबूदाना सिर्फ थोड़ा ही ऊपर हो, ज़्यादा पानी ना डालें। तो मैं प्रेस करके दिखाती हूँ, ये अच्छे से फूल गए हैं। साबूदाना को 2-3 बार अच्छे से धोने से उसका स्टार्च निकल जाता है, जिससे वो बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं रहते। और अगर आप साबूदाना से थोड़ा पानी ही ज़्यादा डालेंगे तो साबूदाना एकदम ऐसे ही खिले खिले रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, इस पर मैं 1/2 कप मूँगफली के दाना ऐड करूँगी। मूंगफली को हम लोग 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफली अब हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब हम लोग इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। अब मैं इसका छिलका निकाल कर मिक्सर में डाल दी हूँ, इसे हम दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे दरदरा पीस ली हूँ। अब हम लोग इसे साबूदाना में डालेंगे। इससे क्या होगा ना, साबूदाना में थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो मूंगफली उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे इसमें जरा भी मॉइस्चर नहीं रहता अगर आप इसे अच्छे से फुलाएंगे तो। मूंगफली ज़रूर ऐड करें, इससे पेट भरा भरा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को पूरा अच्छे से फैला लेंगे। घी के गर्म होने पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसे मत डालिए। और मैं अब 2 बारीक कटा हरी मिर्च डाल रही हूँ। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जीरा के चटकने पर हम इसमें 2 टेबल स्पून मूँगफली का दाना ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। अब मैं एक उबला हुआ आलू को पीसेस में कट कर ली हूँ, इसे मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो कच्चा आलू भी ले सकते हैं, पर कच्चे आलू को पकने में टाइम लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 10-12 करी पत्ता यानी मीठा नीम। आप चाहें तो इसे शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, पर शुरुआत में डालने से ये काफ़ी छिड़कते हैं तो इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। सभी चीज़ों को 10-20 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। मिक्स कर ले सभी को अच्छे से। मैं आपके साथ बिना व्रत वाले साबूदाना की रेसिपी भी पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक वो रेसिपी नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगी, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। अब हम साबूदाना को 1 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटा हरा धनिया पत्ता, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद साबूदाना यहाँ ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये तैयार हो गया है। अब हम लोग इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इजी और टेस्टी रेसिपी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।